नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस फ्री एक्टिंग ट्यूटोरियल में मैंने जो वीडियोस अपलोड किया उसमें कोई कमेंट्स आए तो उसके बारे में थोड़ा मैं क्लेरिफाई करूंगा। पहली बात तो ये कि मेरे कोई एक्टिंग क्लासेस है क्या? तो अभी नहीं है, पहले थे। तो वो कैसे थे, क्या थे, वो मैं ये जो हम अभी जिस विषय पे बात करेंगे उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आखिरी में, तो सुनते रहिए। सबसे पहली बात ये है कि एक्टिंग आपको सीखना है तो उसका उद्देश्य क्या है? यदि आपका उद्देश्य यह है कि मुझे मुंबई में हिंदी या और अदर लैंग्वेजेस में फिल्म में, टीवी सीरियल में, एड में काम करना है और इसलिए मुझे एक्टिंग सीखना है, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मुझे कोई वहां जाना नहीं है, मेरा आई एम स्टेबल, मेरा जॉब है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं तो एक चांस भी मिल जाए तो मेरे लिए काफी है, ये दूसरी बात हो गई। ऐसे भी विचार के कोई लोग है, मतलब उनके लिए वो चीज नहीं है लेकिन उनको इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं और कहीं ड्रामा में कहीं इधर उधर वो काम करते रहते हैं और उनको यदि ये चांस मिलता है तो वो उतना टाइम निकाल सकते हैं। और तीसरे जो लोग हैं उनको ये सब चीजों की चिंता नहीं है, उनके कोई ग्रुप है ड्रामा के या उसमें उसमें वो रहते हैं। तो सिर्फ एक्टिंग करियर बनाने के लिए सीखना, या क्योंकि वैसा एक्टिंग सीख के आप करोगे क्या? आपके पेरेंट्स भी आपको पूछेंगे, चलो भाई तुमने एक्टिंग सीखा, अभी करोगे क्या? अल्टीमेटली आपको जो भी पढ़ना है, क्योंकि आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, चलो तबला ही सीख गए और उसमें तो आप साथ साथ में अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो और वो तबला का जो आपका शौक है वो भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका कहीं नाम हो जाए और तो ये बहुत तो, वैसे ड्रामा में काम कर रहे हैं, हर कोई कोई बंबई नहीं आ सकता, तो वो अपना लोकली कहीं ना कहीं काम करते 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 कभी फिल्म में भी दिख पड़ता है। तो ये इस प्रकार से लोगों के व्यूज है। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट यदि आप तबला सीखते हैं तो आप अकेले सीख सकते हैं, लेकिन एक्टिंग ऐसा एक अकेले आप नहीं सीख सकते, क्योंकि दो लोग तो होना ही मिनिमम। ठीक है, आपको सोलो एक्टिंग, आपका डिक्शन सुधारना, आपका आपने कैसे खड़ा रहना चाहिए, कहाँ आपकी नजर होना चाहिए, ये सब सिखा सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर्स को कैसा रिएक्ट करना है, बहुत अहम चीज है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मैंने देखा है कि जिसने कोई एक्टिंग क्लासेस वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किया, आपको फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करना है तो वो लड़का बस उसको वो, लेकिन बराबर कोऑर्डिनेटर को पकड़ के ये तो उसको काम मिलता था। और दूसरा जो बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे स्कूल से आया हुआ और अच्छा ड्रामा में मतलब काम किया हुआ, उसको नहीं मिलते थे काम। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वो सीख के आ जाए। और इधर कोई कैसा कोई वे भी नहीं है
मैं आपको बताऊं कि आप इस रास्ते से जाओ तो आपको ये फिल्म में काम मिलेगा। इतना मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपका स्ट्रगल का टाइम थोड़ा बच सकता है। कुछ कुछ टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा, तो ये सब चीजें है। जैसा एक मेरे एक स्टूडेंट है, हमारे क्लासेस सब खत्म हो गए थे, ये हमारे ये बाहर जाओ नागपुर की स्टूडेंट थी, डॉक्टर का वो MBBS की थी और बाद में उसको MS वगैरह करना था, तो उसने एक्टिंग का ये सब ज्वाइन किया था। तो मुंबई में वो अंधेरी में वो शिव और वो श्रीजी करते हैं, वहाँ हम लोग कॉफी पी रहे थे, तो मैं जस्ट उसको बता रहा था कि भाई आपको अभी ये तो सीख लिया तो कहीं जाना है तो आप एकदम ऐसा मेकअप वेकअप करके और हीरोइन बन के मत जाओ, अपने सादे ड्रेस में जाओ, लेकिन अपना एक ऐसा मैं थोड़ा सा उसको टिप्स दे रहा था। तो वहीं बाजू में एक कोऑर्डिनेटर था, तो उधर श्रीजी में उधर ऑडिशंस वगैरह होते हैं, तो उसको उसने वो सुना, फिर बाद में हम उससे मिले, तो उसने उनको दूसरे दिन ऑडिशन पे बुलाया और वो जो काजल की जो एड आती है तो उसमें वो लड़की सिलेक्ट हो गई। तो ऐसा भी होता है, तो ऐसा कोई परफेक्ट वे नहीं है, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखो कि जो भी बात है आपको ये करियर बनाना है तो इसके लिए आपको आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अब एक पते की बात ऐसी है कि वो लड़के को काम क्यों मिलता था और इसको क्यों नहीं मिलता। वो लड़का था बंबई का ही रहने वाला था, उसका बराबर घर था, ये था सब था, तो कोऑर्डिनेटर को ठीक है वो एक्टिंग क्या करता है अच्छी बुरी वो सवाल नहीं है, तो उनको ये मालूम था कि मैं जब भी फोन करूंगा ये बराबर उस टाइम पे आएगा, क्योंकि फिर इसकी जरूरत यदि उनको बाद में भी लगी फिर भी ही इज अवेलेबल। तो ये चीज आपको उनके मन में, अब एक्टर के ही लड़के आप बोलते कि वो ही हीरो बनते, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल है, मालूम है। एक पिक्चर बनने के लिए एक साल लगता है, लग भी सकता है 3 महीने, मतलब वो भी कोई क्राइटेरिया पक्का नहीं है, बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं। सीरियल में भी अभी आपने पायलट बनाया, फिर बाद में 6 महीने के बाद में उसका नंबर लगा, साल भरे के बाद में लगा नंबर, फिर आपकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, ये देखा जाता है। यदि आपका पेमेंट आपको 2 महीने 3 महीने नहीं मिलता है तो ये सब कौन बताएगा, ये सब कोऑर्डिनेटर बराबर ये सब चीजें देख के ही फिर वो ऐसा वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बाद में नहीं आए तो क्या करेंगे। तो बेटर है कि आपका पहले जॉब भी रहे, आप भले पार्ट टाइम रहे या कुछ भी रहे, तो एक जॉब रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक स्टेबिलिटी होती है। हाँ, तो वो सारी चीजें रहने दीजिए। तो अभी दूसरा पार्ट ऐसा है, एक्टिंग में कोई भी कला पेरेंट्स भी सिखाना इसलिए चाहते हैं कि ऐसा सभी धर्म में माना है कि कलाकार जो है ये ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर सकता है, मतलब उसको जल्दी दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो कल्पना के परे जाने की कोशिश करता है। तो ये एक कल्पना विश्व है, एक एक्टर ने ये बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि ये कल्पना विश्व में है, हम अभी जो जी रहे हैं, सपोज आप एक्टर बनने जा रहे हैं और नहीं बन सके,
या अच्छे एक्टर नहीं बन सके, काम मिला लेकिन कंटिन्यू तो नहीं कर सके, तो इसमें कोई बहुत बड़ी हानि नहीं है, वो जीवन है। और लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी जो यंगस्टर्स है, 3-4 साल रहते फिर चेहरा बदलते रहता है, तो ये मतलब मिल गया चांस, नहीं तो नहीं मिल गया, ये बात रहती है। तो अपनी इमेजिनेशन पावर इससे बढ़ती है और सीखना इसलिए चाहिए कि इसमें ए ग्रेड एक्टिंग, बी ग्रेड एक्टिंग, सी ग्रेड एक्टिंग होती है। जैसा इंस्ट्रूमेंट में भी तबला वादक है तो इसमें भी ग्रेडेशन है कि और उससे वैसे क्या जैसे, तो आपका ग्रेडेशन आपके आप कौन से बैनर में काम कर रहे हो, पहली बात। उस बैनर में काम करना है तो आपको काम मिला है, इसलिए मिला है कि आपने उतनी क्रेडिबिलिटी जो है वो आपने प्रूव की है उन लोगों को, आप उसके लिए वर्थ है, इसलिए आप वहां चुने गए हैं। इसमें से एक और भी जो दूसरी एक खराब बाजू है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट केस में। तो वो बैनर कौन डायरेक्टर है, इसमें से तुम्हारी एक्टिंग की ग्रेड तय होती है। अरे हाँ, आपको वो ये डायरेक्टर की वो फिल्म थी जिसमें आपने काम किया, छोटा बड़ा रोल का मतलब नहीं आता है। जब आपको अनुभव है ये क्रेडिबिलिटी, ये ग्रेडेशन, तो ये आपको तय करना है। आप कोई डायरेक्टर या कोई कहां आप गए, कास्टिंग डायरेक्टर या कोई कोऑर्डिनेटर ये बोलता है कि देखो भाई वो आप एक्टिंग करते हो लेकिन उतना नहीं है, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तो आप यदि सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अभी मैं उतना तैयार नहीं हूं। उनको यही बोलिए कि भाई ओके सर, बेटर लेक मतलब मैं और भी कोशिश करूंगा, और आप दूसरी जगह अपना स्ट्रगल जारी रखिए। यही आपको चीज आगे लेके जाएगी। So please subscribe.